नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। आज सीएम योगी का गाजीपुर और जौनपुर दौरा, गाजीपुर को सीएम सौंपेंगे कई सौगात, जौनपुर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के गिलौली बड़ी बगिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 वर्षीय मासूम की बांस झाड़ियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में दिनदहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मायावती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चार चरित्र में चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल वह BSP के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको वे अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं, ये भी सर्वविदित है। जैसे आप लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही उदाहरण लीजिए, तो यदि कांग्रेस पार्टी के पास जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए थे, हालांकि संविधान बनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज रजाबंद हो गए थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो जब भारतीय संविधान को बनाने की बात आई तो उस समय यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास, यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल आदमी होता, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। और आज जो पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं तो शायद वो भी नहीं मिलते। और इतना ही नहीं, आज जो पूरे देश में तो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं तो शायद ये भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्म निरपेक्षता के आधार पर ही बनाया था। इतना ही नहीं, तो ये भी मैं दलित वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि ठीक इसी प्रकार UP विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ, जब अब यूपी में भी विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए कुछ समय बचे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यूपी विधानसभा आम चुनाव होने के कुछ समय पहले ही, अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, तो यहाँ भाजपा भी, खासकर OBC समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर OBC समाज के प्रति उभरा नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी वह हवा हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ, तो SC व ST की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में चाहे SC ST का मामला, OBC का मामला है, तो सरकारी नौकरियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं। साथ ही अब तक
ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता है। यदि थोड़ी भी इनके प्रति इनके मन में ओबीसी के प्रति थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ी सच्चाई होती, तो अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि भाजपा व अन्य सभी जातिवादी पार्टियां भी देश में ओबीसी के लोगों की जनगणना कराने में वैसे ही घबरा रही हैं जिस प्रकार से इनके आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में इनके लोगों ने अति उग्र होकर पूरे देश में आंदोलन किया था। लेकिन अब भाजपा का भी इनके वोट के खातिर यह आसानी से इनका कोई भी नाटक चलने वाला नहीं है। अर्थात अब इनकी काट की हांडी तो बार बार चढ़ने वाली नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं तो वो ना कांग्रेस के बहकावे में आने वाले हैं, ना बीजेपी, ना अन्य किसी और पार्टी के, क्योंकि इनको ये बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि इनको जो कुछ भी मिला है तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से ही मिला है। तो आज जो भी कुछ इनको थोड़ा घना ये जो जातिवादी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है या अन्य जो भी जातिवादी पार्टियां हैं, आज जो कुछ भी थोड़ा घना इनको दे रही हैं, केवल वो अपने स्वार्थ में, अपने वोट के खातिर, ना कि इनके समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दे रही हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, चाहे यूपी में दलित व अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे पंजाब में या देश के अन्य किसी भी राज्य में, ये लोग अब जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो ये भी मैं आज मीडिया के माध्यम से इन पार्टियों को बताना चाहती हूँ। तो इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को आप इससे पहले तक सुन रहे थे, जिन्होंने पंजाब में आज जो परिवर्तन किया गया, कांग्रेस पार्टी ने नए मुख्यमंत्री का चेहरा जो प्रोजेक्ट किया गया, और ये माना जाता है कि पिछड़ा वर्ग से वो चेहरा चुन करके आप कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज किया, तो ऐसे में लखनऊ में इसको लेकर के प्रेस वार्ता की गई। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा कई चीजों को यहां पर बताया गया। उन्होंने कहा कि इनके हथकंडे के बहकावे में जनता बिल्कुल भी ना आए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अभी तक दलितों पर भरोसा उन्होंने किया नहीं है और इनके हथकंडे के बहकावे में दलित बिल्कुल भी ना आए। और लखनऊ में बैठ करके और कई किलोमीटर दूर पंजाब की सियासत को लेकर के उन्होंने निशाना साधा और सीधे सीधे निशाने पर कांग्रेस थी, क्योंकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी ने वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो इस वक्त ये बड़ा पे कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा ये मायावती की तरफ से कहा गया और साथ ही साथ चन्नी को कुछ वक्त के लिए सीएम बनाया गया है। ये मायावती ने कहा कि अब समय बहुत कम है और कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को जो कार्यकाल मिला, बहुत कम कार्यकाल, कांग्रेस से सावधान रहे दलित वर्ग, ये इस दौरान आगाह करने की भी कोशिश की गई। मायावती ने पंजाब में जिस तरीके से सियासी हलचल तेज है उसको लेकर के ये प्रेसवार्ता की और इसमें कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने दलित वर्ग को सीधे सीधे एक मैसेज देने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि चन्नी को कुछ वक्त के लिए सीएम बनाया और किस कारण से बनाया ये सभी आप लोग जानते हैं। कांग्रेस को दलित वर्ग पर भरोसा नहीं है और इसीलिए बहुत कम कार्यकाल उनको दिया। कांग्रेस से सावधान रहे दलित वर्ग, ये इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से प्रेसवार्ता के अंदर इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि गैर दलित के नेतृत्व में ही कांग्रेस अब चुनाव लड़ेगी और पंजाब में कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा इस वक्त साफ नजर आ रहा है और चन्नी को कुछ वक्त के लिए सीएम बनाना ये इस बात की ओर इशारा है कि दलितों को अपने तरफ खींचना चाहती है कांग्रेस, लेकिन इस भ्रम जाल में आप बिल्कुल भी दलित वर्ग को नहीं आना है, ये मायावती का कहना है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस के आप इस भ्रम जाल से दलित वर्ग को दूर रहना है।
गैर दलित के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और पंजाब में कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा पूरी तरीके से साफ हो चुका है और चन्नी को कुछ वक्त के लिए सीएम बनाना, इसको लेकर के भी सवाल बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से खड़े किए गए। वहीं साथ ही साथ दलित वर्ग को एक सीधा सीधा और स्पष्ट मैसेज देने की यहां बसपा सुप्रीमो की तरफ से कोशिश की गई। चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सीतापुर में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत भरेंगे हुंकार, कई जिलों से लगभग 20,000 किसानों के आने की संभावना, पुलिस प्रशासन ने भी कसी कमर। बलिया में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त का बयान, कहा बीजेपी का टिकट चाहते थे राकेश टिकैत, टिकट लेने के लिए कई बार मुझसे मिले, अब बीजेपी उन्हें क्यों बुरी लग रही है। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम, चरणजीत सिंह को चुना गया विधायक दल का नेता, आज सुबह 11 बजे उन्होंने ली शपथ। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा जनता बढ़ी तभी महंगाई बढ़ी, जनता के पैसे के सहयोग से देश ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी, टूट सकता है सितंबर में बारिश का ऑल टाइम रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, सीएम योगी ने कहा नौकरियों में पूरी तरह पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, केंद्र की 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर गिराई योगी सरकार ने उपलब्धियां, सीएम योगी ने 2022 में 350 सीटें जीतने का किया दावा। सीएम ने कहा 4.5 सालों का यह कार्यकाल सुरक्षा और सुशासन का रहा, सीएम योगी ने कहा कि इन 4.5 साल में एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, जबकि पिछली सरकार में हर तीसरे और चौथे दिन एक दंगा होता था, आज माफियाओं से कब्जे वाली जमीन छुड़ाई जा रही है, अपराधी सलाखों के पीछे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सर्वांगीण विकास आज नए देश के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है, प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ाया गया। सीएम योगी ने कहा देश और दुनिया का हर उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार है, 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, पिछले 4.5 सालों में कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ हो, आज नेक नियत और ईमानदार नेतृत्व का नतीजा है कि प्रदेश देश की बड़ी योजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। जन आरोग्य योजना के तहत 6.90 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है और 1 दर्जन से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं को सिर्फ बुंदेलखंड के अंदर पूरा किया गया। 2007 से 17 तक महज 95 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया था, हमारी 4.5 साल की सरकार में 1,44,00,000 रुपए का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किसानों को किया गया। सीएम ने कहा कि 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद सीधे किसानों से हमारी सरकार ने की है, पिछली सरकार में मात्र 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, वो भी किसानों से नहीं आढ़तियों के माध्यम से खरीद करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1.41 करोड़ घरों को प्रदेश के अंदर निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए, 1.67 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। सीएम ने कहा अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो या बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन हो, हमारी सरकार ने अपनी परंपरा से देश और दुनिया को परिचित कराया, हमारी सरकार में दशकों से लंबित आस्था के केंद्रों को सम्मान दिया जा रहा है। अयोध्या पहुंचे योगी सरकार, सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और ओबीसी बैठक का करेंगे समापन, आज योगी सरकार के पूरे हुए हैं 4.5 साल। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा 4.5 साल में यूपी की बदली तस्वीर। हाथरस कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार द्वारा 4.5 सालों में किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए बताया कि हाथरस जनपद में 3,242 करोड़ रुपए से विभिन्न विकास कार्य कराए गए।
बिजनौर में यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की प्रेस वार्ता, जन कल्याण योजनाओं का गुणगान किया और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गुना में प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीजेपी की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। चौधरी अजीत सिंह की आज रस्म पगड़ी है। जाटलैंड बागपत में जयंत चौधरी के सिर खाप पर चौधरी पगड़ी बंधी और 36 बिरादरी का जमावड़ा हुआ। बागपत के छपरौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालौद मुखिया रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा और रस्म पगड़ी कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं हावी रही, साउंड सिस्टम भी पलट गया और कई लोग बाल बाल बचे, भीड़ बेकाबू दिखी और जमकर धक्का मुक्की हुई। बंथरा के पूर्व प्रधान और समाज सेवी संजय सिंह महाबली के विशेष सहयोग से नगर पंचायत बंथरा में मेगा मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सरोजनी नगर क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री स्वाति सिंह द्वारा किया गया। नीट सॉल्वर गैंग के 2 अभियुक्त को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सॉल्वर टीम का मुखिया विकास और राजू को गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि अब तक कुल 6 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अमेठी में आज राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया कि जो भी कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे सर्बिया दुबई में कुश्ती खेलने का मौका मिलेगा। लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। हालांकि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं गाजीपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां मौजूद हैं। इससे दलित कलंकित हो रहा है, मुझे बांग्लादेश का नाम तारा सरदार है।
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।